हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। तो आज हम बैठ गए हैं गाड़ी में, मैं और अंजलि। तो हम जा रहे हैं, जो मेरा मतलब कि मैंने जो वाल मुंह करवाए थे करीना, तो अभी उनका करा रही जाने जा रही हूँ। होश कंगा किया था मैंने, देखो वो गाड़ी के साथ हो रहे ना, तो जान हमें छोड़ के आ जाएगा, तो फिर हम बाद में आएंगे रक्षे में, क्योंकि जान ने भी आके जाना है अपने वो बाल बूल करवाने, शेव वेव करवानी है घर पे, सो काम है। तो हमने सोचा हमें छोड़ आओ, आ हम खुद ही जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर जान भी रुकता तो उनको टाइम लग जाता वहाँ पे, फिर उसके सारे काम रह जाते। ऐसा ही है ना अंजलि। और अंजलि को मैंने बोला आप हल्की फुल्की कटिंग ले लो, तो बोलती नहीं मम्मा मेरे बाल छोटे हो जाएंगे, बच्चों को बड़े बाल वैसे रखने नहीं चाहिए, लेकिन ये बोलती मैंने नहीं कराने, फिर भी मैं सोचती थोड़े थोड़े करवा लो, क्या कहती हो, दिल कर रहा है। ये देखो इसने खुद ही आगे से अपनी कटिंग की है, ये बहुत छोटे थे यहाँ तक किसी ने कर लिए थे। तो चलते हैं अभी वहाँ पे जाके आपके साथ साथ ही आ गए। मैंने बोला कि तेरे पापा ने आई जाना छोड़ के, तो बोलता नहीं जी नहीं, मैंने साथ ही जाना लग गया, कहता अंजलि को लेके जा रहा हूँ। अंजलि को वैसे हमने कभी साथ लेके नहीं जाते, जब ले जाओ तो फिर ये ऐसे ही करता है, बहनों से प्यार नहीं करता, ये बोलता मैं सिर्फ अकेला हूँ, है ना अंजलि। जाना क्या सैम पसंद नहीं आपको, प्यार नहीं करता बहनों से। अच्छा अब हम जा रहे हैं, बाय बाय कर दो। तो हम आ गए हैं जी अपने पोलर, हम यहाँ पे आ चुके हैं वैक्सीन रूम में, तो क्या स्पेशल रूम में ही। तो यहाँ मेरे साथ अंजलि भी साथ ही है, तो अंजलि को मैंने बोला अंजलि क्या आप कटिंग कर देना सही किसी से अच्छी से, दीदी कैसी मम्मा। तो अभी मैं यहाँ पे लेटने लगी हूँ, और मैंने वो ड्रेस भी पहन लिया, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती उसके हाफ बाजू है, और जान मुझे छोड़ के चला गया, तो अभी होने लगा हमारा काम स्टार्ट। तो अभी अंजलि भी यहाँ पे बैठ चुकी है, मतलब कि उसके पीछे ये डंडे छोटी होगी। हाँ, और पीछे से वो भी है मेरा मैं सोनिया की पॉलिश स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले लूंगी मैं 1 टीस्पून पिंक पाउडर, हाफ टी स्पून में गोल्ड पाउडर लूंगी, टू टी स्पून 20 वॉल्यूम, अब मैं इसमें डालूंगी लुमिशाइन 20 वॉल्यूम 2 टीस्पून, अब मैं इसमें हाइड्रा बूस्ट ऐड करूंगी 2 पंप्स, अब इसमें ये टी ट्री सूदिंग ऐड करूंगी मैं 2 पंप्स, ग्लोबेरी, अब मैं इसमें ये 2 ड्रॉप्स इसके ग्लोबेरी के ऐड करूंगी, अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है आपको। बिल्कुल स्मूथ हो चुका है स्टार्ट, अब इसमें देखिए कहीं भी लम्स नहीं है, बिल्कुल अच्छी स्मूथ हो गई है हमारी पॉलिश। अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे स्टार्ट। सोनिया का फेस देख लीजिए, ये इनके फेस पे कितनी झाइयाँ, और इनका कलर भी थोड़ा सा डल हो रहा है। तो अब आप बिफोर देखिए, अब एप्लीकेशन करूँगी, इसके बाद का रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं।
इसको 20 मिनट्स के लिए स्टे देंगे, उसके बाद हम इनको क्लीन करेंगे, फिर आप इसको उसका रिजल्ट दिखाएंगे। आज हम सोनिया का गोल्ड सैफ्रन फेशियल स्टार्ट करने वाले हैं। सोनिया आई है हमारे पास गोल्ड फेशियल के लिए। जी हाँ, मैं कल भी आई थी और उनका काम बहुत अच्छा है। आप भी आए, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा, बालों का ट्रीटमेंट भी और स्किन का भी, और इनके पास क्रीम वगैरह भी जो स्किन के लिए जिनके झाइयों की वो भी मिलती है, वो भी आप ट्राई करना। चलें अब हम सोनिया का फेशियल स्टार्ट करने लगे और फिर इसके बाद आपको इनका फेशियल का रिजल्ट भी दिखाएंगे। वैक्सिंग स्टार्ट हो गई है, क्या बोल रहे हैं, वैक्सिंग हो रही है सोनिया की। अब सोनिया का फेस वैक्स हो रहा है। माशाल्लाह अंजलि की कटिंग भी हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। जो मान ही नहीं रही थी, मैंने बोला अंजलि अच्छी लगोगे आप, इधर तक मैंने ऐसी नहीं करवानी थी, मैंने ऐसी ही बोला था, मुझे खुद ऐसी पसंद है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अभी मैं अभी जा रही हूँ वॉश के लिए, तो हम अभी चलते हैं घर पे, बहुत टाइम हो गया। सोनिया का थर्ड डे वॉश हो रहा है, इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे फाइनल। सोनिया का थर्ड डे वॉश हो रहा है और फाइनली लुक हम आपको, फाइनल लुक अभी आपको वॉश ट्राई करके फिर आपको बताएंगे, ठीक है। सोनिया का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप देखें उनका बाल कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया और शाइनी। तो फाइनली फाइनली ये मेरा थर्ड डे वॉश था, ये देखो और हम बिठी आ गई है घर पे, ठीक है। ये गजरेला भी हमने आज बनाना है, ठीक है। ये हम गाजर कास्ट कर रहे हैं, छील वील के गाजरे मैंने और उसने सब कुछ रखा हुआ है। बिठी गई हुई थी वो अपने फैशन के हिसाब से, और यहाँ पे कोले वोले भी रखे हैं और बारबेक्यू के लिए गर्दने भी जो है ना वो भी मुझे है। बारबेक्यू हम करेंगे गर्दनों का। बिठी अपना रेडी हो रही है, अभी भी तैयार होना बाकी है, अभी तैयार होना बाकी है बिठी। हाँ हाँ, और बिठी ने पहना हुआ है वो ब्याह का सूट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप भी तो मेकअप कर रही, ये तंग करती है, नए सूट मेकअप करती है। आज इसकी बर्थडे है, इसका नेक्स्ट जो ब्लॉग में हम अपलोड करेंगे उसमें केक वेक लाएंगे इसके लिए, ठीक है। और बारबेक्यू वगैरह करेंगे, बाकी ये जो ब्लॉग है ये तो बस ऐसे ही है। क्या हो गया यार, मत लड़ो मत यार। और सैम ने नया ड्रेस पहना होगा और मैंने भी नई शर्ट पहन ली है, नई पैंट नए बूट पहन लिए हैं, देखो ठीक है। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएगा। और अंजलि करा के आई है टिंट, अंजलि बोलेगी फिर पता कैसे चलेगा नए कपड़े में। और अब देखो रेडी हो रही है, मम्मा नहीं कहा, मम्मा नहीं कहा, जहरी बात है किसकी बेटी है, सोनिया की तो रेडी तो होगी। ये कोले बोले हम ले आए हैं, ये चूल्हा वूल्हा कोले बोले ऊपर पहुंचाते हैं। सैम आ जाओ चूल्हा ऊपर लेके चले, माचिस भी ले आओ। बाकी बिठी इसको थोड़ा थोड़ा करके करते रहो, देखो करने से ही होगा ऐसे। ये है चूल्हा, ये वाला चूल्हा, ये वाला, ये वाला ऊपर लेके जाते हो। क्या कहा उसको,